दोस्तों, एक ऐसा साइट जो मजाक मजाक में बना और आज दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग ऐप है और गूगल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और आज दुनिया के लाखों लोग इस साइट पर अपने परेशानियों का हल जानने के लिए आते हैं और इन परेशानियों का हल वीडियो के माध्यम से बहुत आसान तरीके से समझाया जाता है। और यही नहीं दोस्तों, आप इस साइट पर अपने टैलेंट को दिखाकर अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको कई मौके दिए जाते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस साइट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, जिसे आज के समय में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यूज किया जाता है। तो चलिए बिना वक्त जाया किए शुरुआत करते हैं। YouTube की स्थापना 14 फरवरी 2005 को तीन दोस्त जावेद करीम, चेड हर्ली और स्टीव चेन ने मिलकर किया था। YouTube बनाने से पहले ये तीनों दोस्त PayPal कंपनी में कर्मचारी के रूप में कार्य किया करते थे। दोस्तों, YouTube का कॉन्सेप्ट 2005 के शुरुआती दिनों में आया था, जब स्टीव चेन के अपार्टमेंट में एक डिनर पार्टी हुई थी। दरअसल जावेद करीम इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाए थे और जावेद करीम इस पार्टी का मजा लेना चाहते थे। उस समय ऐसी लंबी वीडियो को शेयर करना आसान नहीं था और अंत तक भी जावेद करीम इस वीडियो को नहीं देख पाए थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए उन लोगों ने एक ऐसी प्लेटफॉर्म की कल्पना किया जहां पर लंबी वीडियो भी आसानी से शेयर किया जा सके। जावेद करीम ने कहा है कि उनको YouTube की प्रेरणा सबसे पहले सुपर बॉल हाफ टाइम शो के एक विवाद से मिला था, जब हाफ टाइम शो के दौरान जस्टिन टिम्बरलेक द्वारा जनेट जैक्सन के कपड़ों को फाड़ दिया गया था। इस वीडियो को टीवी पर बैन कर दिया गया था, लेकिन वह इस वीडियो को देखना चाहते थे और नहीं देख पाए थे। दोस्तों, साल 2004 में आई हिंद महासागर में सुनामी के वीडियो को भी वह देखना चाहते थे, लेकिन वह ऐसी वीडियो को नहीं देख पाते थे। उन्होंने सोचा कि ऐसी प्राकृतिक घटनाएं हजारों होती रहती है और उस समय किसी न किसी के हाथ में कैमरा होता है और वह इन वीडियो को रिकॉर्ड भी करता है, पर उन्हें इन वीडियो को शेयर करने के लिए अच्छी प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने YouTube को बनाया। दोस्तों, शुरुआत में YouTube को आकर्षक बनाने के लिए ट्यून इन हुकअप नामक डेटिंग वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया गया था। 14 फरवरी 2005 को YouTube को रजिस्टर किया गया, जिसके बाद 23 अप्रैल 2005 को पहला वीडियो अपलोड किया गया और इस वीडियो का टाइटल मी एट द जू रखा गया था। यह वीडियो सैन डिएगो के एक चिड़ियाघर का था, जहां पर जावेद करीम ने इसे शूट किया था। दोस्तों, शुरुआत में YouTube का हेड ऑफिस एक रेस्टोरेंट के ऊपर में था। नवंबर 2005 में सिकोया कैपिटल नाम की एक कंपनी ने 3.5 मिलियन $ का इन्वेस्ट किया, इंडियन करेंसी में लगभग 25 करोड़ रुपया। जिसके बाद दिसंबर 2005 को YouTube को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया और उस समय YouTube पर प्रत्येक दिन लगभग 8 लाख व्यूज आ रहे थे। आगे चलकर कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2006 में Google ने यह अनाउंसमेंट किया कि YouTube को Google में शामिल करेंगे और 13 अक्टूबर 2006 को Google ने YouTube का अधिग्रहण कर लिया। दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कई मौके दिए जाते हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए और आप YouTube पर वीडियो देख भी सकते हैं और अपने द्वारा बनाए गए कंटेंट को YouTube पर अपलोड भी कर सकते हैं। हालांकि YouTube के कई नियम को भी आपको पालन करना पड़ेगा। आप किसी और के वीडियो को एडिट कर अपलोड नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो YouTube के तीन चेतावनी के बाद आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं YouTube को तीन देशों में बैन किया गया, जिसमें चीन, ईरान और उत्तरी कोरिया शामिल है। दोस्तों, आपको यह जानकर काफी आश्चर्य और काफी खुशी भी होगी कि YouTube पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब वाला चैनल टी सीरीज है, जो भारत का। दोस्तों, YouTube पर हर मिनट लगभग 500 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो अपलोड किया जाता है और हर दिन लगभग 500 करोड़ वीडियो को देखा जाता है। दोस्तों, मजाक मजाक में आई एक ऐसी आइडिया जिसने दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो शेयरिंग ऐप को बना दिया। दोस्तों, अगर आप YouTube का पहला वीडियो मी एट द जू को देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।